नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, केंद्र सरकार का बजट पेश हो चुका है। मिडिल क्लास के लिए राहत, किसानों को सौगात, रक्षा पर खास फोकस, ऐसी हेडलाइन से आपको बजट समझाने की कोशिशें हर टीवी चैनल अखबार में हो चुकी है। लेकिन बजट से जुड़ी कुछ बातें हैं जो सीधे तौर पर आपके सामने नहीं आती। जैसे क्या आप जानते हैं कि इस बार सरकार ने बच्चों की जनरल एजुकेशन पर खर्च 15% घटा दिया है? क्या आप जानते हैं कि डिफेंस पर खर्च असल में सिर्फ 1.49% ही बढ़ाया गया है? दोस्तों, सरकार के एक्सपेंडिचर बजट के दस्तावेज की पड़ताल में ऐसे ही कई छोटे छोटे डिटेल मिलते हैं जो आपकी जिंदगी पर बड़ा असर रखते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में इस पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हर मंत्रालय को दिए जाने वाले खर्च के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से किसी भी मंत्रालय के दैनिक खर्च को पूरा किया जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो इसमें दैनिक खर्च का पूरा हिसाब किताब होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में किसी मंत्रालय की ओर से किए जाने वाले निवेश का पूरा ब्यौरा होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो मंत्रालय किन योजनाओं में निवेश करने वाला है, इसकी पूरी जानकारी यहां मिलती है। दोस्तों, आम बजट 2023 का कुल आकार 45,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस बजट को कुल 102 मंत्रालय के बीच बांटा गया है। इसमें से सबसे बड़ी हिस्सेदारी वित्त मंत्रालय की है, जो कि 37.52% है। वित्त मंत्रालय के बजट में कैपिटल बजट का भी हिस्सा होता है, जिसे सरकार निवेश के लिए खर्च करती है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय 13.18%, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 6%, रेलवे 5.3%, रसायन एवं उर्वरक 3.96%, गृह मंत्रालय 4.35%, ग्रामीण विकास 3.55%, शिक्षा मंत्रालय 2.5%, जल शक्ति मंत्रालय 2.16% की बजट में हिस्सेदारी है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 14 मंत्रालय ही ऐसे बजट हैं जिनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 1% ऊपर है। दोस्तों, मोदी सरकार ने कोरोना के दौर में हेल्थ बजट बढ़ाने का वादा किया था, मगर इस बार के बजट में पब्लिक हेल्थ में सरकार का निवेश घटा। जी हाँ, बजट में हिस्सेदारी के हिसाब से प्राथमिकता तय की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय 13वें नंबर पर आता है। इस बार के बजट में सिर्फ 1.97% हिस्सा ही स्वास्थ्य पर खर्च किया गया। 86,175 करोड़ रुपए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर खर्च किए जाएंगे, जबकि हेल्थ रिसर्च पर 2,980 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हेल्थ रिसर्च के लिए 2022 से 2023 में 3,200.65 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस बार सरकार ने हेल्थ रिसर्च का बजट 6.89% घटा दिया है। सरकार ने 2022-23 में मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ के लिए कैपिटल बजट 5,537.36 करोड़ का था, जबकि 2023-24 में ये बजट घटाकर 5,205.85 करोड़ रुपए कर दिया है। दोस्तों, पिछले साल ही देश ने कोरोना की तीसरी लहर झेली थी। उस वक्त भी सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि विशेष एम्बुलेंस हो, ऑक्सीजन प्लांट्स या स्टाफ की ट्रेनिंग, इन सब पर सरकार का पूरा फोकस है। मगर पिछले 2 साल से सरकार इस मद पर 2 करोड़ भी खर्च नहीं कर रही, क्योंकि हमारी सरकार ने इस बार सिर्फ कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयारी के लिए सिर्फ 1.78 करोड़ रुपए का ही बजट तैयार किया है। दोस्तों, एक तरफ मोदी सरकार ये कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वहीं दूसरी तरफ इस बार के बजट में शिक्षा मंत्रालय जनरल एजुकेशन का बजट 15% घटा दिया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के छात्रों की स्पेशल स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। साल 2023-24 में शिक्षा पर जो सरकार का बजट है उसमें 2.50% खर्च करेगी। हालांकि 22-23 के मुकाबले ये बजट सिर्फ 8.26% ही बढ़ाया गया है। दोस्तों, हमारी मोदी सरकार कॉलेज लेवल से ही ई लर्निंग और रिसर्च को बढ़ावा देने की बात जरूर करती है, अक्सर करती रहती है, मगर इस बार बजट में इन दोनों ही चीजों के लिए बजट घटा दिया गया है। डिजिटल इंडिया ई लर्निंग का बजट 421.1 करोड़ से घटाकर 420 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं रिसर्च एंड इनोवेशन का कुल बजट भी 218.66 करोड़ से
3.6% घटाकर 210.61 करोड़ रुपए कर दिया गया है। खास बात यह है कि रिसर्च एंड इनोवेशन की कुल 8 योजनाओं में से 5 का बजट घटा दिया गया जबकि एक स्कीम बंद कर दी गई है। दोस्तों सरकार ने 2023-24 के बजट में आयुष्मान भारत योजना के लिए 7,200 करोड़ रुपए दिए थे जो पिछले साल के मुकाबले 12.28% ज्यादा है। लेकिन खास बात यह है कि इस 7,200 करोड़ में ये 6,789 करोड़ रुपए पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से दिए जाएंगे और कैपिटल बजट से सिर्फ 411 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना में भारत के करीब 10 करोड़ परिवार यानी कि करीब 50 करोड़ लोग कवर्ड है, मगर इस मुफ्त बीमा का पैसा उसी सेस से आता है जो ये आबादी इनकम टैक्स पर चुकाती है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी सरकार ने बजट में कहां कहां कटौती की है। आपकी शिक्षा पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपकी ई लर्निंग पर, यहाँ तक कि पीएम मोदी ने जो कोरोना को लेकर, आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जो इतने वादे किए थे उसके लिए इस साल के बजट में मात्र 1% का बजट रखा है। मोदी सरकार ने जो इस साल का जो बजट पेश किया है और जो कटौती की है उसे लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।